हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द बफर कैपेसिटी, एप्लीकेशन ऑफ बफर्स के बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग कवर करेंगे बफर इन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। और इस वीडियो में लास्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट द बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर मेहताब सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। बफर कैपेसिटी ऑल्सो रिफर्ड एज बफर इंडेक्स, बफर इफिशियंसी, बफर कोफिशियंट और बफर वैल्यू। तो एग्जाम में अगर इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन आता है तो हमें बफर कैपेसिटी के बारे में ही लिखना होता है। तो अगर हम बफर कैपेसिटी की बात करते हैं तो बफर कैपेसिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज ए मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस टू चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ एन एसिड और बेस। तो अगर हम एसिड या बेस को अपने बफर सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो कितना वो पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, वो उसकी बफर कैपेसिटी कहलाता है। द बफर कैपेसिटी बीटा हैज बीन डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस टू स्मॉल चेंज इन द पीएच ब्रॉट अबाउट बाय दिस एडिशन। तो अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को अपने बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसका और पीएच में जो चेंज हो रहा है उसका अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो बफर कैपेसिटी या बीटा कहलाता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या है, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए आर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा पीएच। तो हम कितना इंक्रीमेंट एसिड में कर रहे हैं या कितना इंक्रीमेंट बेस में कर रहे हैं और कितना पीएच में चेंज हो रहा है, अगर हम सिंपली इसका रेशियो निकालते हैं तो वो बफर कैपेसिटी कहलाता है। यहाँ पे जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड आर बेस। तो हम कितना इंक्रीमेंट ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर में अपने स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस का कर रहे हैं वो डेल्टा ए और डेल्टा बी कहलाता है। और अगर हम डेल्टा पीएच की बात करते हैं तो ये कहलाता है चेंज इन पीएच। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बफर। तो ये इसको हम लोग दो पार्ट में अब डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट है वो है हमारा इन बायोलॉजिकल सिस्टम। द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड अबाउट 7.4 बाय 2 बफर सिस्टम। तो हमारा ब्लड है उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.4 और ये हमारे ब्लड के अंदर वो दो बफर सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। तो इस प्लेस पे जो हमारा पहला सिस्टम है वो कहलाता है प्राइमरी बफर। इन द प्लाज्मा कंपाउंड लाइक कार्बोनिक एसिड और कार्बोनेट एंड द एसिड एल्कलाई सोडियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं वो सेकेंडरी सिस्टम की, तो उस कंडीशन में इन द इरेथ्रोसाइट जो हमारी ब्लड सेल्स है उसके अंदर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और जो हीमोग्लोबिन एंड एसिड एल्कलाई पोटेशियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड ये रिस्पॉन्सिबल होता है इरेथ्रोसाइट के अंदर पीएच को मेंटेन करने के लिए। और अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल सिस्टम की, तो उस कंडीशन में बफर आर एडेड इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की या हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पीएच है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, जो हमें स्टेबिलिटी अपने प्रोडक्ट में चाहिए उसके लिए या जो हमें फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए उसके लिए हमें अपने प्रोडक्ट का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा पहला प्रोडक्ट इसमें आता है वो है पेरेंटल प्रिपरेशन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द पीएच ऑफ द वो पेरेंटल प्रिपरेशन की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 7.4, ये इक्वल होता है जो हमारे ब्लड का पीएच होता है। अगर इससे पीएच चेंज होता है, वो डिविएट होता है, तो वहाँ पे हमें जो सीरी वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। मीन्स अगर इस कंडीशन में ऐसा हुआ तो हमारी आरबीसी वगैरह प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देंगी और हमें वहाँ पे एक दुष्प्रभाव उसका देखने को प्राप्त होगा। द मोस्ट कॉमनली यूज बफर इन द वो पेरेंटल प्रोडक्ट आर एसीटेट, फॉस्फेट, सिट्रेट एंड वो ग्लूटामेट जो हमारे बफर हैं उनको हम अधिकतर पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक की, तो वहाँ पे जो हमारे
होता है वो लैक्रिमल फ्लूड होता है, मींस जो हमारी आंखों से आंसू निकलता है उसको हम बोलते हैं वो लैक्रिमल फ्लूड। तो उसका जो पीएच होता है वो 7 से 8 के बीच में होता है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर हम पीएच को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी आंख वगैरह में इरिटेशन हो सकता है और उसके हमें नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो जो अधिकतर हम यहाँ पे बफर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे वो बोरेट वो बफर, वो कार्बोनेट और फास्फेट बफर को हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं अबाउट द ऑइंटमेंट एंड क्रीम की, तो इसके पीएच को हम अपने स्किन के पीएच वो जो कि 5.5 होता है उसके आसपास रखते हैं, उससे उसके अनुसार मेंटेन करते हैं। तो अगर हम इस पीएच की बात करते हैं तो ये जो है वो थोड़ा एसिडिक होता है, वो जो कि हेल्प करता है जो हमारे बैक्टीरिया हैं और जो हमारी फंगाई हैं उनको वो रिमूव करने के लिए, ये उनके हार्मफुल इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे इस पीएच को यूज़ करते हैं। वो बफर आर यूज आर सिट्रेट एंड फॉस्फेट जो हमारे बफर हैं उनको हम अधिकतर ऑइंटमेंट और क्रीम में यूज़ करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बफर्ड आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं आइसोटॉनिक वो सॉल्यूशंस की, तो आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं वो जो कि एग्जर्ट करते हैं सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर को एग्जर्ट कर रहे हैं, वो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर हाँ वो सेम है, अगर उसको हम अलग अलग करते हैं वो सेमी वो परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हम उनको अलग करते हैं और वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हैं तो उसको हम आइसो ऑस्मोटिक या आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वो फिजियोलॉजिकली आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस आर वो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज वो दैट द बॉडी फ्लूड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हम अपने बात करते हैं फिजियोलॉजिकल सिस्टम की, तो उस कंडीशन में आइसोटॉनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं वो जो कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वो रखते हैं हमारी जो है बॉडी फ्लूड उसके साथ में सेम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर वो एग्जर्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। और अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें कौन कौन से फ्लूड हैं, तो अधिकतर वो जिनको हम ध्यान में रखते हैं वो क्या है हमारा ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्रिमल फ्लूड हैव एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 0.9% ऑफ NaCl। तो अगर हम 0.9% का NaCl लेते हैं तो वो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करता है, या हम कह सकते हैं वो आइसोटॉनिक होता है हमारे ब्लड प्लाज्मा और लैक्रिमल फ्लूड के। हाँ, तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज सेड आइसोटॉनिक विथ फिजियोलॉजिकल फ्लूड। और जो हमारा हाँ वो सॉल्यूशन है अगर वो हमारे वो फिजियोलॉजिकल फ्लूड के अनुसार उसका ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर जो हमारा वो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है हमारे मतलब फिजियोलॉजिकल फ्लूड से, तो उस कंडीशन में हम वो कहेंगे कि वो हाइपोटॉनिक है, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है हमारे वो फिजियोलॉजिकल फ्लूड से, तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हाइपरटॉनिक है। हाँ, तो इस कंडीशन में इफ RBCs आर वो सस्पेंडेड इन द वो पैराटॉनिक वो सॉल्यूशन, मीन्स यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो आपके मतलब होते हैं पैराटॉनिक वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं होता है, इनको हम लोग जो है हाइपरवोटॉनिक वो सॉल्यूशन या हाइपोवोटॉनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो अगर हम अपने RBC को ऐसे सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं वो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे ब्लड प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल नहीं है, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटॉनिक होगा, तो उस कंडीशन में हल क्या होगा द वाटर इन द RBC पास आउट टू वो डाइल्यूट सराउंडिंग साल्ट सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो RBC के अंदर वाटर है वो बाहर निकलेगा और आसपास के इन्वायरमेंट को वो डाइल्यूट करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो काज द श्रिंकेज ऑफ द सेल, तो RBC वहाँ पे श्रिंक हो जाएंगी या कह सकते हैं वो सिकुड़ जाएंगी। और अगर हम RBCs को ऐसे वो सॉल्यूशन के अंदर वो सस्पेंड करते हैं वो जो कि हाइपोटॉनिक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा द वो साल्ट सॉल्यूशन पास इनटू द RBC, जो हमारा साल्ट सॉल्यूशन है वो RBC के अंदर आएगा और उस कंडीशन में वो क्या होगा कि RBC हमारी हो जाएंगी स्वेल, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे हमारी RBC वो बस्ट हो जाएगी या फूट जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का वो काफ़ी हम लोग को वो ध्यान रखना होता है कि जो भी हम ऐसे प्रिपरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो जिनको हमें अपने ब्लड में इंजेक्ट करना है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो
हमारे ब्लड प्लाज्मा के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, नहीं तो हमारी आरबीसी में डिस्टरबेंस होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं ऑप्थैल्मिक सॉल्यूशन की, तो उस कंडीशन में अगर आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं होगी तो जो हमारी आई है उनके अंदर इरिटेशन कॉज होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के बारे में। तो जो पहला हमारा वो मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं वो टोनिसिटी को मेजर करने के लिए, वो है हीमोलाइटिक मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड आरबीसीज आर वो सस्पेंडेड इनटू द वो सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड। तो इसमें हम जो हमारी आरबीसी है उनको वो जिस सॉल्यूशन को हमें टेस्ट करना होता है उसके अंदर वो सस्पेंड कर देते हैं। इफ वो काजेज वो सिंकेज ऑफ द सेल वो सेट हाइपरटोनिक, तो अगर वो हमारे आरबीसीज को श्रिंक कर देता है और वो सिकोड़ देता है तो उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे हाइपरटोनिक, और अगर वो हमारी आरबीसी को वो स्वेल कर देता है और उसमें हीमोलिसिस होती है तो उस कंडीशन में वो सोल्यूशन हमारा हाइपोटोनिक कहलाएगा। और जो हमारा वो दूसरा मेथड है ये है वो कोलिगेटिव मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वो सोल्यूशन है उसकी वो टोनिसिटी को वो डिटरमाइन करने के लिए हम उसकी वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को वो चेक करते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं सोल्यूशन हैविंग सेम टोनिसिटी हैव सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सच एज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर जो हमारा वो सोल्यूशन है वो उनके अंदर वो सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं तो उनको हम लोग आइसोटोनिक सोल्यूशंस कहेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा पहला मेथड है वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, या इसको हम क्रायोस्कोपिक मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे वो बॉडी फ्लूड है वो लाइक ब्लड प्लाज्मा या जो हमारा लैक्रिमल वो सिक्रीशन है इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर कोई हमारे पास सोल्यूशन है उसका अगर फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आइसोटोनिक वो कहलाएगा हमारे इन फ्लूड के साथ में। तो इस कंडीशन में आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। फॉलोइंग फार्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू मेक सोल्यूशन आइसोटोनिक विद फिजियोलॉजिकल फ्लूड। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, द परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू 0.52 - A/B। तो यहाँ पे जो हमारा ए है वो क्या है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द अनएडजस्टेड वो सोल्यूशन, और जो हमारा बी है वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कौन सा वो सब्सटेंस है जो कि अनएडजस्टेड है और कौन सा है एडजस्टिंग। तो जो हमारी ड्रग होती है वो जो है होती है अनएडजस्टेड, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन को उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें उसकी वो टोनिसिटी मेंटेन करनी है तो उसके लिए हम वहाँ पे कुछ एडजस्टिंग वो सब्सटेंस वो लाइक NaCl को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है NaCl का वो कहलाएगा एडजस्टिंग वो सब्सटेंस, या जो हमारा NaCl है वो कहलाएगा एडजस्टिंग वो सब्सटेंस, और उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो होगा बी। और अगर हम बात करते हैं जो हमारी ड्रग है उसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कहलाएगा ए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अगले मेथड के बारे में, ये कहलाता है मॉलिकुलर कंसंट्रेशन मेथड। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या होता है, द परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द एडजस्टिंग सब्सटेंस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.03 m/n। तो यहाँ पे जो हमारा m है क्या है, ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, और जो n है नंबर ऑफ आयंस विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज। तो जो हमारा m है वो जो हमारा सब्सटेंस है उसका ग्राम मॉलिकुलर वेट है, और n वो कितने नंबर्स में आयोनाइज होता है। जैसे कि एग्जांपल की बात किया जाए तो अगर हम ले रहे हैं NaCl तो ये दो आयंस में आयोनाइज होता है, एक है आपका Na आयन और एक है Cl आयन। तो n है कितने नंबर्स में हमारा सब्सटेंस आयोनाइज हो रहा है। तो अगर हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हम आसानी से हमारा एडजस्टिंग वो सब्सटेंस रिक्वायर्ड है उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा वो तीसरा मेथड है वो है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। तो इस मेथड को डेवलप किया गया था वो मिलन एंड सेल्जर के वो द्वारा, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर इस मेथड को वो डेवलप किया था,
और जो इन्होंने वो कंसीडर किया था वो टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग इक्विवेलेंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ई वैल्यू ऑफ द ड्रग। तो इन्होंने जो हमारा वो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको और वो कंसीडर किया था जो हमारी वो ड्रग है और उसको इक्विवेलेंट किया था सोडियम क्लोराइड के साथ में और इसको इन्होंने ई वैल्यू के नाम से इंडिकेट किया था। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। द ई वैल्यू ऑफ द वो ड्रग वो रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच विल एग्जर्ट टॉक्सिक इफेक्ट इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ दैट ड्रग। तो 1 ग्राम अगर हम अपनी वो ड्रग का वो लेते हैं तो वो कितना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है और उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे सोडियम क्लोराइड के टॉक्सिक इफेक्ट के साथ में। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है E इज इक्वल टू 17 LISO/m। तो यहाँ पे जो हमारा LISO है ये है स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ L और जो हमारा L है ये हमारे सब्सटेंस के फ्रीजिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है और अगर हम M की बात करते हैं तो M जो है ये है मॉलिकुलर वेट ऑफ द ड्रग। तो जो हमारी ड्रग है उसका जो मॉलिकुलर वेट है वो M है। द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड वो दैट इज आइसोटॉनिक विद बॉडी फ्लूड इज 0.9 ग्राम पर 100 ml। तो अगर हम 0.9 ग्राम पर 100 ml के हिसाब से वो सोडियम क्लोराइड का लेते हैं सोल्यूशन तो वो हमारे बॉडी फ्लूड के साथ में आइसोटॉनिक होता है। वो क्वांटिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 ml वो सोल्यूशन कंटेनिंग एक्स ग्राम ऑफ ड्रग आइसोटॉनिक इज इक्वल टू 0.9 - x × E। तो यहाँ पे जो हमारा वो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको अगर हम जो वो ड्रग के अमाउंट के साथ में एक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दें और उसको 0.9 से अगर हम वो रिड्यूस कर दें तो उस कंडीशन में हमें इस चीज़ की क्वांटिटी पता चल जाती है कि हम कितना उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड करें कि जो हमारा सोल्यूशन है वो आइसोटॉनिक हो जाए हमारे ब्लड प्लाज्मा के। उसके बाद जो हमारा अगला मेथड है वो है व्हाइट विंसेंट मेथड। तो इसमें क्या होता है वो दिस मेथड इन्वॉल्व एडिशन ऑफ सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ए ड्रग टू प्रिपेयर आइसोटॉनिक वो सोल्यूशंस। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम कितना अमाउंट वाटर का ऐड कर दें कि जो हमारा सोल्यूशन है वो आइसोटॉनिक हो जाए विद द जो हमारा फ्लूड है या जो हमारा लिक्विड है उसके साथ में वो आइसोटॉनिक हो जाए। तो यहाँ पे वो बेसिकली हमें ये फोकस करना है कि हम कितना वाटर उसमें और ऐड कर दें। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं वो देन एन आइसोटॉनिक आरए बफर्ड आइसोटॉनिक वो सोल्यूशन इज देन एडेड टू गिव द फाइनल वॉल्यूम। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा जो भी वो सोल्यूशन था उसमें हमने वाटर को ऐड किया और उसको आइसोटॉनिक कर लिया। अब उसके बाद में हमें जब उसका फाइनल वॉल्यूम जो है मेकअप करना है तो उसके लिए हम कोई भी आइसोबोटानिक वो सोल्यूशन यूज कर लेते हैं या कोई भी वो बफर्ड आइसोबोटानिक वो सोल्यूशंस को उसमें हम ऐड करते हैं और हम अपने फाइनल वॉल्यूम को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है वो क्या है V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1। तो यहाँ पे 1 छूट गया है तो यहाँ पे होगा 1 तो ये है 111.1। तो यहाँ पे जो हमारा V है V इज द वॉल्यूम इन द ml of an isotonic solution that can be prepared by dissolving W gram of drug in the water. तो जो हमारा V है वो क्या है वो कितना जो हमारा वॉल्यूम है उसको हमें प्रिपेयर करना है वो है वो W क्या है वो कितने ग्राम हमारी उसके अंदर ड्रग है और जो हमारा E है E इज द सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट ऑफ द ड्रग और जो हमारा है वो 111.1 ये क्या है ये एक कांस्टेंट होता है और ये जो हमारा वो 111.1 है ये क्या है वॉल्यूम ऑफ द आइसोटॉनिक सोल्यूशन इन द ml ऑब्टेंड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन द वाटर। तो 1 ग्राम वो सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में आइसोटॉनिक सोल्यूशन अगर फॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में ये हमारा कहलाता है 111.1 और ये एक कांस्टेंट होता है। और जो हमारा अंतिम मेथड है ये है क्या है स्प्राउल्स मेथड। तो इसमें तो अगर हम इसकी बात करते हैं इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाइट विंसेंट मेथड वेट ऑफ द ड्रग वो डब्ल्यू वाज फिक्स्ड दैट इज 0.3। तो यहाँ पे जो हमारा वो डब्ल्यू है उसको इन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और इसको इन्होंने यहाँ पे 0.3 कर दिया है यही है हमारा स्प्राउल्स मेथड।
ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।